हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जसोदा बेन और आनंदी बेन के बीच क्या चल रहा है? मोदी की शादी पर बवाल क्यों? अहमदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी की परेक्ता जसोदा बेन ने मोदी को अविवाहित बताने का विरोध किया है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल ने मोदी को एक अखबार में दिए इंटरव्यू में कुंवारा बताया था। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मोदी को अविवाहित बताने के लिए उनकी सबसे नजदीक रही आनंदी बेन ही क्यों आगे आई और जसोदा बेन ने इस पर प्रतिक्रिया क्यों दी, जबकि अब तक वो खामोश रही हैं। जसोदा बेन ने बुधवार को मध्य अपने भाई के मोबाइल फोन से बनाए गए एक वीडियो में कहा है, मैं आनंदी बेन द्वारा प्रेस से नरेंद्र भाई का विवाह नहीं होने की बात कहने से हैरान हूं। उन्होंने खुद लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में अपने दस्तावेज दाखिल करते हुए इसे अपनी घोषणा में शामिल किया कि वो विवाहित हैं और उसमें मेरे नाम का उल्लेख भी किया गया है। जसोदा बेन ने कहा, एक सुशिक्षित महिला गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन द्वारा एक शिक्षक जसोदा बेन के बारे में इस तरह बोलना बहुत ही अशोभनीय है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके आचरण ने भारत के प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया है। वो मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय हैं, मेरे राम हैं। उत्तर गुजरात में अपने गृहनगर ऊंझा से INS के साथ बातचीत में जसोदा बेन के भाई अशोक मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में दिख रही महिला जसोदा बेन ही है। उन्होंने कहा, जब आनंदी बेन का बयान सोशल मीडिया पर आया तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये 19 जून को प्रमुख अखबार दिव्य भास्कर में आया, अब ये गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, इसी वजह से हमने इसका उत्तर देने का फैसला किया। हमने अपने घर के मोबाइल फोन से एक लिखित बयान जसोदा बेन के द्वारा पढ़ा गया और उसे रिकॉर्ड भी किया गया। न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें।